अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, अब देखो जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनका जो सेल का जो नेचर होता है वो प्रोकैरियोटिक नेचर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे ये बैक्टीरियल सेल का। अब देखो जो इसका आउटरमोस्ट जो कवरिंग होता है उसको सेल वॉल कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है वो पेप्टिडोग्लाइकैन का बना होता है। लेकिन अगर हम बात करें अगर प्लांट का सेल को भी सेल वॉल होता है और वो बना होता है सेल्यूलोज का। इसके बाद देखो जो सेल वॉल के अंदर जो लेयर होता है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर का बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनसाइड की तरह फोल्ड हुआ होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मीसोसोम्स। और ये फंक्शन दो मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, एक तो रेस्पिरेशन करता है, दूसरा सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करता है। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन्स ऑफ फूड, जो यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या पे होते हैं, मीसोसोम्स में। और दूसरा जो फंक्शन है, अगर देखो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स होता है, जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो सर्कुलर इन नेचर होता है। ठीक है, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और देखो इसमें राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स जो होता है 70S टाइप का, इसमें दो सब यूनिट होता है, एक 50S दूसरा 30S। प्रोटीन ट्रांसलेशन के टाइम पे क्या करता है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, जब प्रोटीन ट्रांसलेशन ख़त्म हो जाता है तो ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इस तरह से देखो एक सब यूनिट बड़ा होता है एक छोटा होता है, प्रोटीन ट्रांसलेशन के टाइम पे इस तरह से बॉन्ड बनाता है, जब प्रोटीन ट्रांसलेशन ख़त्म हो जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। अब इसका देखो सेपरेट होना और इसका एक होना ये डिपेंड करता है सेल के अंदर कंसनट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद देखो बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्मिड कहते हैं। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ प्लास्मिड। जिस बैक्टीरिया में प्लास्मिड प्रेजेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया, और जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लास्मिड एब्सेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो इस प्लास्मिड के अंदर कुछ ज़्यादा एसेंशियल जीन्स प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कुछ बैक्टीरियल प्लास्मिड में ये देखा गया है कि इसमें एक या दो एसेंशियल जीन प्रेजेंस होता है। सपोज प्लास्मिड को अलग अलग नाम से जाना जाता है, सपोज एफ प्लास्मिड कहते हैं, आर प्लास्मिड कहते हैं, कॉल प्लास्मिड कहते हैं। एफ प्लास्मिड क्या शो करते हैं, फर्टिलिटी शो करते हैं, क्यों, क्योंकि यह सेक्स प्लाई बनाता है। ठीक है, सेक्स प्लाई बनाने का जीन्स इस प्लास्मिड में प्रेजेंस होता है, इसीलिए इस प्लास्मिड को क्या नाम दिया गया, एफ प्लास्मिड। इसी तरह दूसरे तरह के जो प्लास्मिड होते हैं उसको कहते हैं आर प्लास्मिड। आर प्लास्मिड की खासियत क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, उसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट करने का वो जीन्स प्रेजेंस होता है। इसी तरह कुछ प्लास्मिड्स को हम कहते हैं कॉल प्लास्मिड। इकोलाई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं कोलिकेसिन्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉल प्लास्मिड होते हैं, वो उस कोलिकेसिन के अगेंस्ट क्या शो करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह के होते हैं। आप ये बैक्टीरिया देखो स्टैनिंग टेक्निक की थ्रू इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ग्राम एक साइंटिस्ट था, उसने बैक्टीरिया को स्टैन किया और उसने बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया।
एक को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरे को बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब उसने स्टैंड किया, स्टैंड करने के बाद डिस्टाइल वाटर से या कुछ और केमिकल केमिकल से उसने क्या किया, बैक्टीरिया को वॉश किया। वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनके ऊपर वो कलर रहा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो वॉश करने के बाद वो कलर भी निकल गया। जिनके ऊपर कलर रहा उनको ग्राम पॉजिटिव कहा गया, और जिनके ऊपर से कलर निकल गया वॉश करने के बाद उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। अब देखो ये कलर क्यों वॉश हो रहा है, क्यों नहीं रह रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, एक एडिशनल लेयर होता है, और ये लेयर किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। इसीलिए इनको नाम देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या रहते हैं, कुछ इस तरह के सबस्टन रहते हैं जिनको हम कहते हैं कैप्सूल्स। अब बैक्टीरिया दो प्रकार के, इस तरह इसमें भी दो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एंड अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद बैक्टीरिया में क्या होते हैं, फेम्ब्रे, फेम्ब्रे नाम का एक स्ट्रक्चर होते हैं जो एराइस होता है सेल वॉल से, जो एराइस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को किसी भी सबस्ट्रेटम या किसी भी सरफेस के साथ क्या क्या करने के लिए, अटैचमेंट करने के लिए। ये हो गया पूरा ऑल अबाउट बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। तीन, अब प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स बहुत सारे, फंजाई का सेल अलग है, प्लांट का सेल अलग है, एनिमल का सेल अलग है। अब हम यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट सेल का ही डिफरेंस देखेंगे। देखो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जो इसमें बेसिक जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, प्लांट सेल का सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल का, एनिमल सेल का सेल वॉल नहीं होता। ये क्या है, प्लांट सेल का सेल वॉल, सेल वॉल, और ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का। और इसमें और एक ऑर्गेनेलिस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड, जो प्लांट सेल्स में नहीं होता है, जो एनिमल सेल्स में नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेलिस प्रेजेंस होता है, सपोज देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप लोगों को ये सब पता होगा, इसीलिए मैंने रफली बनाया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसकी सरफेस पे राइबोसोम जो अटैच नहीं होता है, दूसरा वो होते हैं जिसके सरफेस पे क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं, और हम उसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो बेसिक फंक्शंस होता है वो लिपिड बायोसिंथेसिस या लिपिड मेटाबॉलिज्म में, या कैटाबॉलिज्म करता है या वो एनाबॉलिज्म करता है, उसमें इसका फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये एक तो देखो प्रोटीन ट्रांसलेशन के लिए साइट या सीट प्रोवाइड करते हैं, और इसके बाद प्रोटीन्स का जो मॉडिफिकेशन होंगे, उसमें जितने भी प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होंगे, अगर इस प्रोटीन को सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना है या सेल के अंदर ही रखना है तो उसमें बॉन्ड्स बनाना पड़ता है, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उस प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा, इसीलिए इसका फोल्डिंग बनाते हैं, सल्फेट बॉन्ड्स बनाता है या दूसरे तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं। ये सब मॉडिफिकेशन कहाँ पर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर लाइसोसोम्स होते हैं, दोनों में होते हैं लाइसोसोम्स। जो एनिमल के अगर हम बात करें, लाइसोसोम्स में बहुत टाइप्स ऑफ एंजाइम रहते हैं, अगर कोई भी बाहर से जो पैथोजन आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो उस पैथोजन को किल करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सपोज हमारे बॉडी में कोई वायरस चला जाए या कोई बैक्टीरिया चला जाए, तो जो उसको पहले तो उसको डिटेक्ट करते हैं हमारा सेल, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, वो आप हायर क्लास में मॉलिक्यूलर बेस पे आप पढ़ेंगे। इसकी वजह से जब वो पता होंगे तो वो सेल के अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर आने के बाद इसमें जो एंजाइम्स है इसकी मदद से उसको क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो वैक्यूल्स, एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होता है उसका साइज छोटा होता है और वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस का मेन जो फंक्शंस होता है ये कार्गो का काम करता है, किसी चीज़ को सेल से बाहर भेज देते हैं या किसी सेल चीज़ को सेल के अंदर लाते हैं, इसका काम करते हैं गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस। इसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोगों ने सुना होगा पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस क्रैब्स साइकिल के थ्रू हमारा जो एनएडीएच टू या एफएडीएच जो बनते हैं उनका जो ब्रेकडाउन होता है वो यहाँ पे होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और इसमें क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं, और हमारे सेल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का वो कहाँ से मिलते हैं, एटीपी से मिलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया प्लांट सेल, अब इसके एनिमल सेल के बारे में देखो थोड़ा। एनिमल सेल्स प्लांट सेल से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसका सेलवाल है, ये सेलवाल जो होता है ये नॉन लिविंग माना जाता है सेलवाल को, ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। इन सेलवाल के बीच में इस तरह स्पेस होते हैं, इस स्पेस के थ्रू कोई मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर चला जाता है और कोई मॉलिक्यूल सेल के बाहर आ जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ये, और इसको कहते हैं पिथ, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद देखो यहाँ पे जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स जो होता है यहाँ पे लार्ज साइज होते हैं, इसी की वजह से न्यूक्लियस जो होता है शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। इसमें देखो न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल में, लेकिन इसमें देखो न्यूक्लियस थोड़ा शिफ्ट हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। इसी तरह इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसमें भी लाइसोसोम्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स में जो लाइसोसोम्स होते हैं उसको एक अलग नाम से जाना जाता है, जिनको हम कहते हैं स्टेक्नोसोम्स। आगे हम डिस्कस करेंगे, जब हम ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे तो हम इन सब का अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखो इसके बाद यहाँ पे जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड बेसिकली बहुत टाइप्स का होते हैं, कुछ प्लास्टिड्स स्टोरेज में काम करते हैं, कुछ प्लास्टिड कलर देने में काम करते हैं, और कुछ प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं, जो पार्टिकुलरली हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हैं, एक रफ है दूसरा स्मूथ है। इसमें भी गोल्जी अपरेटस होते हैं, गोल्जी अपरेटस का कॉनकेव साइड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं, और जो कॉन्वेक्स साइड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं, ठीक है। ये कॉनकेव साइड किस तरफ होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और ये कॉन्वेक्स साइड किस तरफ होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, और ये काम करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजने का, किसी भी मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने का, लेकिन वो क्या बनाते हैं, उसके ऊपर एक कोट बनाते हैं, इसमें ये मॉलिक्यूल्स पैक किया फिर भेजते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कार्गो का जो काम करते हैं सेल में वो गोल्जी अपरेटस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एनिमल सेल्स में बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाकी जो ऑर्गेनेल्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।